हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मुजीदरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग ट्रैप के बारे में अभी बात चल रही है दोस्तों। आज से मैं एक बहुत ही बढ़िया ओपनिंग, दोस्तों ओपनिंग बहुत सारी ओपनिंग है, सिसिलियन, कैरोकान, फ्रेंच डिफेंस सभी लोगों को पता है, लेकिन सबसे ज्यादा खेलने जाने वाली E4 E5। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी से आप जो वीडियो देखोगे तो मेरे कंटिन्यू सभी वीडियो रुई लोपेज के बारे में होंगे, क्योंकि रुई लोपेज ओपनिंग ऐसी है जिसमें बहुत सारी ओपनिंग ट्रैप्स है। 51 ओपनिंग ट्रैप्स में रुई लोपेज में सिर्फ एक ही ओपनिंग में आपको बताने वाला हूं। अब देखिए कि अगर 51 ट्रैप्स आपने देख ली तो आपकी रुई लोपेज ओपनिंग कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो सभी वेरिएशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों जरूर से। आज शुरू करते हैं रुई लोपेज ओपनिंग। तो रुई लोपेज ओपनिंग में सबसे पहले जो मूव आता है, वर्ल्ड फेमस मूव है E4 और E5। अब दोस्तों डेटाबेस में सबसे ज्यादा रुई लोपेज मतलब E4 E5 खेली गई है, उसके बाद मोस्ट पीपल नाइट F3 और ब्लैक का रिप्लाई होता है नाइट C6 और यहां से बिशप B5। ये मूव करने के बाद ये हो जाती है ओपनिंग का नाम रुई लोपेज। तो चलिए पहली वाली ट्रैप है, इसमें डिस्कवरी के बारे में बताया गया है। मिडल गेम की टैक्टिक सभी लोगों ने पढ़ी होगी, डिस्कवर, नाइट फॉर्क, पिन, स्क्यूअर बहुत सारी है, और जिस लोगों ने जिन्हें पता नहीं है वो मेरे पुराने वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मिडल गेम की सारी टैक्टिक्स मैंने वीडियो बना के डाल दी है। तो चलिए यहाँ पे पहली जो ओपनिंग है उसमें ब्लैक रिप्लाई देता है D6, व्हाइट यहाँ पे करता है सिंपल शॉर्ट कैसल, ब्लैक रिप्लाई देता है नाइट F6, यहां पे D4, नाइट क्रॉस E4, नाइट क्रॉस E4 के बाद ओके, ये पोजीशन में व्हाइट को सिंपल पीस मिल रहा है आफ्टर D5। ब्लैक यहां पे अटैक करेगा A6 से काउंटर। अब ब्लैक सोचेगा कि आप पॉन टेक्स नाइट मारोगे तो वो आपका बिशप मार लेगा, लेकिन यहां पे बिशप D3, अगेन नाइट पे अटैक। अब दोनों नाइट अटैक में है, ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट F6 आफ्टर D takes C6, काउंटर अटैक में ब्लैक करेगा E4 और सिंपल आप इसे बचा सकते हो Re1 और फिर से पॉन पे अटैक। पॉन पिन भी हो चुका है, आपका कोई पीस मरने वाला नहीं है। Re1 के बाद ये पॉन को प्रोटेक्शन के लिए पोस्ट मूव है D5, बट आफ्टर बिशप E2 यहां पे आपको पीस देना है बिस पॉन टेक्स और C into B7 सबसे पहले। अब यहां डबल अटैक हो रहा है, अगर पॉन टेक्स बिशप होता है तो रुक टेक्स बिशप चेक के साथ और उसके बाद आपको रुक मिल रहा है, और F into A2 या फिर बिशप टेक्स B7 होता है तो यहां होता है बिशप B5 डबल चेकमेट। तो ये पहली ट्रैप। चलिए दूसरी ट्रैप देखेंगे यहां पे। ओके दोस्तों, यहां पे दूसरी ट्रैप जो है ब्लैक की ओर से है रुई लोपेज में, दो मूव कॉमन है D6 कैसल, पिनिंग के बारे में यहां पे बिशप G4 और नाइट F6। यहां पे हम देखेंगे बिशप G4, हाँ बिशप G4 के बाद D4 व्हाइट सेंटर ब्रेक करना चाहेगा, यहां पे ब्लैक खेलेगा A6, बिशप A5, B5
बिशप बी थ्री एंड नाइट इंटू डी फोर। फॉर्क और पिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ ब्लैक को मिलता है। व्हाइट रिप्लाई देगा एफ थ्री से नाइट पे अटैक। ब्लैक के पास बेस्ट चॉइस है नाइट इंटू एफ थ्री, जी इंटू एफ थ्री, बिशप एच थ्री, क्वीन डी फाइव। यहाँ पे व्हाइट खेल रहा है क्वीन डी फाइव विथ डबल अटैक ऑन रुक और एफ सेवन। क्वीन एफ सिक्स के बाद आफ्टर क्वीन टेक्स रुक किंग ई सेवन देन अनस्टॉपेबल चेकमेट यहाँ पे हो रही है। तो क्वीन जी सिक्स देन क्वीन जी टू मेट पहली थ्रेट ये है। दूसरी थ्रेट अगर किंग मूव किया तो सिंपल बिशप टेक्स रुक, आपका पीस वापस भी मिलता है और आप यहाँ पे मेट कर सकते हो क्वीन एफ थ्री से देन मेट इन टू। तो ये अनस्टॉपेबल चेकमेट ब्लैक की ओर से बहुत ही बढ़िया ट्राई। चलिए नेक्स्ट ट्रैप देखेंगे, वो भी पिनिंग के बारे में है। ओके दोस्तों, यहाँ पे ट्रैप नंबर थ्री, 51 ट्रैप्स आपको मैं दिखाऊंगा, सभी ट्रैप्स देख लीजिए। और ई फोर ई फाइव नाइट एफ थ्री और डी सिक्स, यहाँ पे डी फोर चॉइस तुरंत अटैक वाइट कर सकता है डी फोर। ब्लैक रिप्लाई देता है बिशप डी सेवन, अनपिन कर रहा है नाइट को क्योंकि डी फाइव की थ्रेट है। तो बी डी सेवन के बाद यहाँ पे आपको नाइट सी थ्री खेलना है। ब्लैक नाइट एफ सिक्स सिंपल डेवलपमेंट, यहाँ पे बिशप टेक सी सिक्स, बिशप टेक सी सिक्स, क्वीन डी थ्री। व्हाइट की ओर से कैसे बढ़िया मूव है देखो, यहाँ पे ई फोर को कंट्रोल भी कर रहे है। पॉन टेक्स पॉन के बाद सिंपल नाइट टेक्स पॉन और ये थोड़ा सा फिलिडोर डिफेंस में कन्वर्ट हो गया है। जी सिक्स ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क वाला मूव है क्योंकि बिशप ये जो डार्क स्क्वायर है सारे वीकनेस हो जाते हैं जी सिक्स के बाद। अब क्या करना है आपको, बिशप से नाइट को पिन करना है। बिशप जी सेवन और सिंपल लॉन्ग कैसल, ब्लैक विल डू कैसल बट आफ्टर कैसल यहाँ पे कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस मूव आएंगे जहाँ से वाइट टू प्ले एंड विन। आप यहाँ पे अपनी गेम वीडियो पॉज करके खुद के मूव सोच सकते हो, सोचने के बाद मेरे मूव से कंपेयर कर लीजिए कि आप कितने सही है या गलत है। चलिए मैं बताऊंगा, नाइट इंटू सी सिक्स, बी इंटू सी सिक्स, अब सारे फोर्स मूव है, यहाँ पे आएगा ई फाइव। अब देखो यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन फोर से वरना नाइट पे अटैक है और नाइट ऑलरेडी पिन हो चुका है। उसके बाद क्वीन डी एट, आर ए डी एट, अगेन रुक इंटू डी एट, अगेन रुक इंटू डी एट एंड स्टिल नाइट पिनिंग। तो नाइट यहाँ फिर भी पिन है। तो नाइट डी फाइव के बाद, नाइट ई फोर के बाद व्हाइट कैन विन दिस गेम क्योंकि नाइट पिन है। नाइट को एक ही सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट नहीं आ सकता। इफ नाइट टेक्स नाइट देन सिंपल यू कैन विन द एक्सचेंज बाय बिशप टेक्स रूक और सी सेवन पॉन पे भी अटैक आ रहा है जो बच नहीं सकता। तो चलिए नेक्स्ट ट्रैप देखेंगे, ट्रैप नंबर फोर। चलिए दोस्तों ट्रैप नंबर फोर जिसमें ई फोर ई फाइव रिमूविंग द गार्ड, ये ट्रैप का नाम है गार्ड को रिमूव करना। कैसल, सॉरी कैसल नहीं है यहाँ पे, डी फोर, बिशप डी सेवन, नाइट सी थ्री, नाइट एफ सिक्स के बदले इस गेम में ब्लैक अगर जो नाइट एफ सिक्स वाली ट्रैप मैंने इससे पहले बता दी, अब देखते हैं नाइट जी ई सेवन होता है तो क्या होता है। यहाँ भी बहुत मजा आएगा, बिशप सी फोर एक वेटिंग मूव, एफ सेवन को टारगेट बनाना है। ब्लैक रिप्लाई देगा पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स पॉन, जी सिक्स, यहाँ पे बिशप जी फाइव, बिशप जी सेवन और यहाँ से वाइट टू प्ले एंड विन। आपको वीडियो पॉज करके मूव ढूंढना है, मैं बताऊंगा नाइट डी फाइव अटैक ऑन दिस डी सेवन। वॉट अबाउट बिशप इंटू डी फोर, यहां आपको मूव ढूंढनी है, तुरंत मिल जाएगी दोस्तों क्योंकि आप एक्सपर्ट प्लेयर हो तो आराम से मिल जाएगी। यहां पे आएगा क्वीन सेक्रीफाइस, क्वीन डी फोर, नाइट डी फोर, देन नाइट एफ सिक्स चेक, आफ्टर किंग एफ एट, बिशप एफ सिक्स इज ए चेकमेट। ओके चलते हैं फिफ्थ नंबर की ट्रैप पे। ओके दोस्तों आज के वीडियो की ये लास्ट ट्रैप है, ट्रैप नंबर फिफ्थ। रुई लोपेज में और भी आपको 46 ट्रैप्स देखने हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलो फिफ्थ नंबर की ट्रैप में
आपको करना है e4, e5, नाइट f3, नाइट c6, bb5, d6। यहाँ पे बिशप टेक c6, ये ट्रैप में बिशप एक्सचेंज, बी टेक c6, d4, वाइट ट्राई करता है सेंटर लेने का, आपको बिशप g4 पिन करना है, d इंटू e5, यहाँ पे आपको करना है पॉन टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स d8, रुक टेक्स d8। बस छोटी सी मिस्टेक, नॉर्मल दिखने वाली नहीं है, नाइट इंटू ई फाइव, यहाँ पे नाइट टेक्स ई फाइव ब्लंडर, क्योंकि रुक d1 चेकमेट है। अगर नाइट इंटू ई फाइव नहीं करता है तो सिंपल 4+3 7 और 7 पॉन इक्वल पॉन और विथ डेवलपमेंट ब्लैक कैन मूव, अच्छी सी गेम इसमें ब्लैक खेल सकता है। आफ्टर f6 आप डिफेंड कर लोगे और यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ओपन फाइल दोनों जैसे कि b1 और d8 दोनों फाइल आपके हाथ में रहती है, तो ये गेम खेलने में ब्लैक से बहुत मजा आएगा। सिर्फ अपोनेंट की एक मिस्टेक की आपको राह देखनी है, अगर नाइट इंटू e5 किया तो समझ लो व्हाइट ट्रैप में आ गया। नॉर्मली ऐसे जल्दी कोई ट्रैप में नहीं आते, लेकिन टाइम प्रेशर में ऐसे मूव हो जाते हैं, तो इसका एडवांटेज आपको ब्लिट्ज गेम में बहुत ही मिलेगा। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में, और भी आपको 46 ट्रैप मुझे दिखानी है, जल्द ही आपको मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, हर एक दिन के बाद मतलब अल्टरनेट डेज मेरे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो कंटिन्यूज आपको रुई लोपेज के 51 ट्रैप्स देखने हैं तो मेरी चैनल को दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, जय गुजरात।